बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। होप यू आर परफेक्टली ऑलराइट एट होम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास ऑफ यूनिक जूनियर स्कूल ADP कैंपस लाहौर, एंड आई एम जुमिया मुमताज, योर सब्जेक्ट टीचर। टुडे इट्स 28 सितंबर 2020 एंड द डे इज़ मंडे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट विच इज़ यूनिट नंबर 11। द नेम ऑफ इट्स टॉपिक इज़ चोको गेट्स अ लिटिल हेल्प। We will do its half reading, words meaning and word sentences. First of all, have a look at the theme of this story. Actually, the theme is described about health and hygiene. We should be careful. We should be very vigilant and careful about our health and about cleanliness. Dear students, actually, this is a story about a little boy who had a lot of love for chocolates. For the further information or further story, have a look at your new Oxford Modern English book. Open its page number 91, unit number 11, Choco Gets a Little Help. Choco को एक थोड़ी सी help लेता है। Have a look at the difficult words of this story. Chomped. Chomped means शोर के साथ खाना. Bit and crushed noisily. शोर मचाना, मतलब खाते हुए मुंह से शोर की आवाज़ आना. Dentist means दंदान साज, यानी दांतों का डॉक्टर. A person who cares for the teeth of others. Difficult means मुश्किल, hard, not easy, इतना आसान ना होना. Heap means ढेर. A pile or mound. Munched means चबाना. Chewed steadily. Save means महफूज, हिफाजत. To put away money for later use. Saving हिफाजत भी होता है, और saving बचा कर रखना, यानी बचत को कहते हैं. Next is scratched. Scratched means खुरचना. Scraped, rubbed. Slid mean फिसलना. Moved smoothly. State means हालत, how something is. Now we will start its reading. Choco was not his real name. He was called that because he loved chocolate. He munched on bars all the time. Choco असल में उसका असली नाम नहीं था. उसको इसलिए इसलिए Choco उसको कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद करता था, और हर वक्त वो चॉकलेट खा रहा होता था, चबा रहा होता था. एवरी मंडे Choco's डैड गेव हिम सम पॉकेट मनी. ही कॉल्ड इट हिज पोको टू राइम विद हिज नेम. और हर मंडे हर पी को Choco का जो डैड हैं वो उसे कुछ पॉकेट मनी देते, जेब खर्च. और उस पॉकेट मनी को वो क्या कहते थे, पोको. उसके नेम के साथ उस मिलते जुलते साउंड, यानी Choco पोको. Save your poco, Choco. This his father told him. Then you can buy something useful. उसके father ने कहा, Choco, ये अपनी poco संभालो, इसको महफूज करो, save करो, और फिर कोई फ़ायदेमंद चीज़ को ख़रीदना. जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट मनी देते हैं, और इस पर्पज़ के लिए देते हैं, बिकॉज ऑफ डैट वी शुड बी हैव हैबिट ऑफ सेविंग. सो डैट्स वाई देयर हिज फादर ऑल्सो टोल्ड हिम टू सेव दिस पॉकेट मनी. Choco वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप. स्ट्रेट सीधा Choco कॉर्नर शॉप पर सीधा गया. ही बॉट लॉट्स ऑफ चॉकलेट, उसने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खरीदी. बाय द टाइम ही गॉट टू स्कूल इट वॉज ऑल गॉन. Choco's mother had a difficult time too. Every day she told him. और वो स्कूल के रास्ते में वो इसी तरह करता, और जो Choco की मदर हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी, क्योंकि हर रोज़ वो उसको यही नसीहत करती थी कि डोंट ईट टू मच चॉकलेट. बट Choco डिड नॉट केयर अबाउट द एडवाइस ऑफ हिज पेरेंट्स. Now turn the next page, which is page number 92. You will become a chocolate. What will the dentist say? Just look at the state of your teeth. State means halat.
उसकी मदर क्या उसकी मदर ने उसे कहा कि तुम भी चॉकलेट इसी तरह बन जाओगे, और जो डेंटिस्ट है वो क्या कहेगा, अपने दांतों की हालत तो देखो। मम मम चोको रिप्लाइड टू एवरीथिंग ही शी सेड आई बट देयर वॉज नथिंग ही कुड एड। चोको की जो मम है वो उसने कहा, और जो चोको है वो जवाब देता है अम्मी जान, और हर दफ़ा वो जवाब में आए यानी मैं इस तरह लफ्ज़ बोलता और कुछ भी ना कहता। ही न्यू ही मस्ट स्टॉप बट डिड नॉट नो हाउ। एवरी टाइम ही लुक्ड इन अ मिरर मिरर आईना ही गॉट अ शॉक शॉक अफसुर्दा। हिज टीथ वर एज डार्क एज चॉकलेट। डार्क गहरे यानी ब्लैक कलर का जो है उसको डार्क कहते हैं। चोको वॉज नॉट हैप्पी। वो जानता था कि उसे ज़रूर इस आदत को रोक देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। हर टाइम वो अपने दांतों को आईने में देखता और उसको परेशानी होती। उसके जो दांत थे वो चॉकलेट की तरह डार्क होते जा रहे थे। चोको इस पर खुश ना था। How can I stop? He cried to himself as he went to sleep one night. एक रात जब वो सोने के लिए गया तो वो ज़ोर से चिल्लाया कि मैं कैसे इस आदत को छोड़ सकता हूँ। During the night, Choco sat up in a dark corner. He saw a little man in a very large purple turban. Turban means पगड़ी. He was no bigger than Choco's hand. रात के दौरान चोको उठकर बैठ गया और अंधेरे कोने में उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी है और उसने एक बड़ी सी पर्पल कलर की पगड़ी पहनी हुई है। ही वॉज़ नॉट बिगर देन चोकोज़ हैंड, और वो चोको के हाथ से ज़्यादा बड़ा नहीं था। इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर चोको। जब वो उठा और उसको ये जो अजीब साइट नज़र आया वो बहुत परेशान हो गया। The little man bowed and danced about. Then he moved closer to Choco's bed. Choco slid further under the bed sheet. ये छोटा आदमी उसके सामने झुका और उसको डांस करके दिखाया। फिर वो चोको के बेड के करीब आया। चोको डर गया था और उसने अपने आप को बेड शीट के अंदर छुपा लिया। These are magic beads, whispered the little man. Now, second last paragraph of this page, which is page number 92. These are magic beads, whispered the little man. छोटे आदमी ने, whispered means सरगोशी यानी आहिस्ता सी आवाज़ में कहना, छोटे आदमी ने सरगोशी की कि ये magic beads हैं। Every time you eat a bar of chocolate, one will disappear. जब भी आप एक चॉकलेट खाओगे तो ये एक मैजिक बीड गायब हो जाएगा। When you have no beads left, then I will come and get you. In my land, everybody is made small. और वो जो छोटा आदमी है वो कहता है कि जब ये सारे जब तुम्हारे पास कोई बीड्स नहीं रहेंगे यानी तुम रोज़ चॉकलेट खाओगे और रोज़ बीड गायब होते जाएंगे, तो फिर एक दिन मैं आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा अपनी ज़मीन पर, और वहाँ उस ज़मीन पर हर कोई स्मॉल है छोटा है यानी बोना है। वी ईट वेल वी ड्रिंक मिल्क वी आर हैप्पी ओ एंड वी ब्रश आवर टीथ। हम वहाँ अपनी ज़मीन पर अच्छा खाते हैं अच्छा पीते हैं दूध पीते हैं और हम खुश होते हैं और हम अपने दांतों को भी ब्रश करते हैं। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। इन द मॉर्निंग सुबह को चोको वॉज सरप्राइज्ड चोको हैरान हो गया टू फाइंड 10 बीड्स ऑन हिज बिसाइड टेबल। अगले दिन सुबह जब चोको उठा तो वो वाकई हैरान हो गया कि उसके टेबल के पास 10 बीड्स पड़े हुए थे। ही एग्जामिन्ड देम स्क्रैच्ड हिज हेड एंड देन गॉट रेडी फॉर स्कूल। वो उसने इसको देखा मुआयना किया और अपने सर को में खुजली की और फिर स्कूल के लिए रेडी हो गया। इट वॉज पोको डे एंड ही वॉज एक्साइटेड बट ही डिड रिमेंबर टू ब्रश हिज टीथ।
ये पोको डे था, यानी उसको पॉकेट मनी उस दिन मिलने थी और वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था, लेकिन उसे ही डिड रिमेम्बर टू ब्रश हिज टीथ, और उसने अपने दांतों को ब्रश करना याद रखा। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड रीडिंग ऑफ पेज नंबर 91 and 92। और इस पेजेस में हमने पढ़ा है कि चोको को बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाने की आदत है, जिसकी वजह से उसके टीथ जो ख़राब हो रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता। और वन डे व्हेन ही वाज देयर ऑन द बेड, तो एक लिटिल मैन आया, जो कि एक मैजिकल मैन उसको फील हुआ, और उसने उसे कहा कि अगर आप चॉकलेट खाओगे तो ये मैजिकल बीड्स वन बाय वन गायब होते जाएंगे, और जब कम्प्लीटली ये गायब हो जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने साथ अपनी ज़मीन पर ले जाऊंगा, और वहाँ तुम्हारी फैमिली नहीं होगी, सिर्फ तुम रहोगे हमारे साथ। ओके, इट वाज़ अ वेरी हॉरिबल सीन फॉर चोको। नाउ वी विल डू इट्स वर्ड्स मीनिंग्स। फर्स्ट वन इज़ चॉम्प्ड। चॉम्प्ड मीन्स ऐसे खाना जिससे मुंह से शोर की आवाज़ आए, मीन शोर करके खाना, च्यू नॉइजीली। डिफ़िकल्ट मीन्स हार्ड, डिफ़िकल्ट मुश्किल, हार्ड। हीप मीन्स ढेर, अपाइल। मंच्ड मीन चबाना, च्यू। एज आई एम रिवाइजिंग दीज वर्ड्स मीनिंग अगेन, चॉम्प च्यू नॉइजीली, डिफ़िकल्ट हार्ड, हीप अपाइल, मंच्ड च्यू। Now these are word sentences of this story. First, there are three words: save, bachana, slit, phisalna, state, halat. I have written their sentences of these words as save. I save my pocket money. मैं अपनी pocket money बचाती हूँ. Slit. Ali slid from a table tall tree. अली एक लंबे ट्री से, टॉल ट्री से फिसल गया। स्टेट हालत, शी इज़ इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, उसकी जहनी हालत अच्छी है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन वर्ड्स मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस। यू विल हैव टू राइट दीज एक्टिविटीज इन योर इंग्लिश नोटबुक। नाउ हैव अ लुक एट योर होम टास्क। डियर स्टूडेंट्स, you will have to do half reading, which is at page number 91 and 92. Learn and write words meanings and word sentences of unit number 11. These words meaning and word sentences is an activity that you will have to write on your English notebooks. Keep on watching and learning at home. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.